धो के सुखा के रखी हूँ, इसको गरम कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। मूंग का दाल ब्राउन हो गया, अभी निकाल देते हैं, निकाल के थोड़ा ठंडा कर देते हैं। छोटा मिक्स में डाल के थोड़ा थोड़ा करके सूजी का इतना जैसे पीस लेते हैं इसको। थोड़ा घी डाल लेंगे, आपको घर पे कौन सा ड्राई फ्रूट है वो डाल के भून लेंगे इसको। एक चम्मच आटा डाल दिया, एक चम्मच बेसन डाल रही हूँ, दोनों एक साथ भून रही हूँ, और थोड़ा सा घी डाल लेती हूँ। ये कच्चा बन जाने तक भून लेते हैं। ये तीनों एक एक कप का है, एक कप का मूंग का दाल ये हमने वो करके रखा था, और एक कप चीनी, एक कप का दूध ले रखी हूँ, और घी थोड़ा ले रखी हूँ। अभी ये घी के साथ थोड़ा भून लेंगे और थोड़ा सा घी डाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके घी डाल के भुनेंगे इसको। इसमें 2 ग्लास पानी डाल लेते हैं, सादा पानी डाल रही हूँ मैं। दो ग्लास पानी डाला, 1 ग्लास दूध डाल रही हूँ। 1 ग्लास दाल के लिए 3 ग्लास चाहिए होगा ये। अभी इसको भी मिक्स करके अंदर लेने दो उसको। अभी चीनी डाल लेते हैं, अभी थोड़ा थोड़ा करके डाल के मिक्स करूंगी मैं। देखो इतना अच्छा आया, मैं कोई सा भी कलर ऐड नहीं किया। आप चाहे तो कुछ डाल सकते हैं, केशर कलर कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने सिंपल सा बना रही हूँ। और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल लेंगे, थोड़ा और घी डाल लेंगे, थोड़ा गरगुज का बीज डाल रही हूँ। ये मंदिर के लिए बना रहे हैं, हम डोलच में निकाल देते हैं। हो गया हमारा मूंग का हलवा प्रसाद।